Hey everyone, welcome or welcome back. I hope you all are doing well and welcome back to yet another haul video. And this time it's August haul. Share the products which I have with me and including their first impressions. So if you're interested to know about my collection of this month, like what I have picked, then please keep on watching. Alright, so starting with the Amazon. Now Amazon से मैंने pick किया है of course again from this Vatika. This time I have picked this Ayurvedic shampoo with 10 potion for strong and healthy hairs. Now इससे पहले मैंने इनका yellow वाला use किया है anti dandruff one. I have loved it. उसके बाद मैंने इनका green वाला use किया, वो उतना मुझे कुछ खास नहीं लगा. And अभी currently I'm using this one, तो ये मुझे उतना इम्प्रेसिव नहीं लग रहा है जितना इनका येलो वाला था. टू फिनिश इट ऑफ एंड देन ये तीनों का इकट्ठा मैं एक आपको रिव्यू काइंड ऑफ अ थिंग दे दूंगी. सो दैट्स माई फर्स्ट परचेज फ्रॉम अमेजोन. एंड नेक्स्ट टू आइटम्स आई हैव पिक्ड फॉर माई बेबी एंड दीज आर फ्रॉम अवीनो. वन इज देयर अवीनो बेबी डेली मॉइस्चराइजिंग बाथ. इट्स माई सेकेंड टब. आई लव्ड इट बिकॉज यू नो ये आइस में स्टिंक नहीं करता है, वर्क रियली रियली वेल. एंड जब भी मैं इसको यूज करती हूँ मेरी बेबी बिल्कुल भी नहीं रोती है, उसकी आइज में बिल्कुल भी स्टिंक नहीं करता है. That's why I love this one. And this is the Aveeno Baby Soothing Relief Moisture Cream. Again, this is my second tube. ये मैंने last year I think August या September में मैंने start किया था. I have switched from Sevamed to this Aveeno. And since then I have been loving Aveeno products. Now ये वाला fragrance free है. इसके बाद मैंने इनका moisturizing lotion भी लिया था जो इस तरह की blue cap वाला है. उसका मैंने अभी review share नहीं किया, उसका मैं जल्दी share करूँगी. But I have repurchased this one because this one is a cream and आगे of course अभी winters आने वाली हैं, तो winters के लिए this is quite thick. और जो lotion है वो गर्मी और अभी के weather के लिए that was perfect. अभी मैं उसी को currently use कर रही हूँ. If you want for you, if you are a dry skin type, you can go for this one. I love both of them. Next item I have picked is this most hyped cleanser among the YouTubers and this is Cleanse Me. So I thought let's try this one out. बहुत सारे लोग इसकी raving कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, affordable है, fragrance free है, 5.5 pH के साथ आता है. So that's why I thought कि चलो try कर लेते हैं. It's kind of a similar texture to the Cetaphil moisturizing lotion, जो cleansing lotion जो मैं भी use कर रही हूँ, जो मेरे पास already पड़ा हुआ था, मैंने use किया है. काइंड ऑफ उसके जैसा ही है, बट आई डोंट नो क्यों आफ्टर शेव जब मैंने इसको यूज़ किया तो इट वॉज स्टिंगिंग ऑन माई स्किन. लाइक हल्का सा मेरे को जल जल रहा था स्किन पे. आज मैंने दोबारा इसको यूज़ किया है मॉर्निंग में, तो इतना जलन वाला सिचुएशन तो नहीं हुआ. बट इट वॉज फाइन, लाइक क्लेंज वेल. बट स्टिल टू कम टू अ फाइनल कंक्लूजन आई थिंक आई नीड सम मोर टाइम, लाइक वेदर द हाइप इज रियल और नॉट. स्किन मैंने यहाँ से ये पिक किया है. आई आस्क यू अ लॉट ऑफ यू पीपल ऑन इंस्टाग्राम कि आई एम लुकिंग फॉर मोर फेस मास्क फॉर माई फेस, सो विच वन यू विल रिकमेंड. तो बहुत सारे ऐसे थे जो मैंने ऑलरेडी ट्राई किए हुए थे और उसमें से एक ये वाला ऑप्शन था, तो ये मैंने पिक किया है फ्रॉम BHU Botanicals. ये इनका स्किन ब्राइटनिंग फेस पैक है. This one is with matcha green tea and bamboo one. I don't know ये green से beads हैं, अब ये green tea है, bamboo है, I don't know. I have to try this one out yet. Next is from Plum Goodness. अभी जिस दिन launch हुआ था मैंने उस दिन इसको pick कर लिया था. This one is their rice water and niacinamide 10% serum. Intro end मैंने shoot कर लिया है, बस अब live demo shoot करने हैं, देखना है कि how this perform on my face. Next purchases are from Farm Easy. Now यहाँ पे flat 40% off लगा था Bioderma पे. जिस दिन ही ऑफ लगा था वन ऑफ यू टोल्ड मी, तो उसके बाद मैंने स्टोरीज में आप लोगों को बताया था लास्ट वीक जब ये सेल लगी थी, तो मैंने उसी दिन आपको बता दिया था कि बायोडर्मा हैज 40% ऑफ, सेटाफिल इज ऑन ऑफ. सो उस टाइम पे मैंने ये दो तीन आइटम्स पिक करी हैं वहां से. वन इज दिस ऑफकोर्स माई रीपरचेज आइटम बायोडर्मा सीका बायो. दिस इज माई सेकेंड ट्यूब बिकॉज इट्स माई होली ग्रेल नाउ. दिस वर्क रियली रियली वेल ऑन माई एक्नेज एज वेल एज ऑन एक्ने मार्क्स. लाइक जब एक्टिव एक्ने निकलता है तो ये उसको भी सूद आउट करता है. हल्की सी रेडनेस है, इरीटेशन है, रेड इन्फ्लेमेशन है, उसको भी सूद आउट करता है. और जब एक्ने निकल जाता है, पस भी निकल जाती है, उसके बाद उसको ये हील करने में भी हेल्प करता है. सो आई जस्ट लव दिस वन, दैट्स वाई आई हैव रीपरचेज दिस वन. एंड दिस टाइम आई गॉट दिस वन एंड 40% ऑफ, विच वॉज लाइक
अ ग्रेट डील बिकॉज इट्स फॉर 1300 समथिंग एंड 800 के आसपास पड़ा, बट वहाँ पे ऐसा था कि आपको 1000 के ऊपर फ्री डिलीवरी थी. तो दैट्स वाई आई एडेड दिस वन. दिस इज़ द सेटाफिल मॉइस्चराइजिंग क्रीम. ये मैंने बड़ा वाला पिक कर लिया है. नाउ यू गाइज नो आई हैव टॉक अबाउट दिस अ लॉट ऑफ टाइम दैट इफ़ यू हैव एक्सट्रीमली ड्राई स्किन, ट्राई दिस वन आउट. दिस वन इज़ परफेक्ट फॉर योर फेस एंड इवन फॉर योर हैंड्स ऑन बॉडी. एक्सट्रीमली ड्राई हैंड्स है, देन आई वुड से ट्राई दिस वन आउट, यू नॉट गोना रिग्रेट. एंड दैट्स वाई आई गॉट दिस बिग जार. इफ योर स्किन इज एक्सट्रीमली ड्राई तो आप इसको फेस पे भी यूज कर सकते हो. आई लव दिस वन. ये दो प्रोडक्ट्स हैं. नाउ इसके अलावा मैंने वहाँ से पिक किया है, मैंने अभी सनस्क्रीन के लिए आप लोगों से रिकमेंडेशन पूछी थी, तो आपने सनस्क्रीन्स के लिए भी मुझे बहुत सारी रिकमेंडेशन दी थी. अ लॉट ऑफ पीपल सेड, मैंने फिजिकल सनस्क्रीन के बारे में पूछा था, तो अ लॉट ऑफ यू टोल्ड मी बहुत सारी ऑप्शंस ऑन इंस्टाग्राम. सो मैंने उसमें से जेड ब्लॉक वाली जो सनस्क्रीन है मैंने वो पिक करी है, बिकॉज दैट हैज़ आई थिंक 25% ऑफ जिंक ऑक्साइड. तो एक मैंने वो पिक करी है, और उसके साथ मैंने पिक किया है जॉनसन बेबी मिल्क एंड जॉनसन बेबी सोप्स, बिकॉज अगेन यू नो ये दूसरा ऑर्डर था. ये पहला ऑर्डर था जो मैंने अभी आपको दिखाया, और ये सेकेंड ऑर्डर था जो अभी मुझे रिसीव नहीं हुआ है. इसका टैक्स इनवॉइस मैं पढ़ रही हूँ. 1000 के प्लस करना था, दैट्स वाई आई एडेड जॉनसन बेबी सोप्स, बिकॉज मैं बेबी के लिए वही यूज़ करती हूँ. एंड इस बार मैंने जॉनसन बेबी मिल्क भी ले लिया. मैंने कहा चलो एज अ बॉडी लोशन यूज़ हो जाएगा. दिस इज़ अगेन फ्रॉम अमेजोन. ना ये मैं बताना आपको भूल गई क्योंकि ये मुझे रिसेंटली मिला है और इसको मैंने ट्राई भी कर लिया है. दिस वन इज पॉलाज चॉइस का 2% BHA लिक्विड एक्सफोलिएंट विद सैलिसिलिक एसिड. एंड गाइज येस दिस हैज़ वर्कड. लाइक अभी रिजल्ट मुझे देखने को नहीं मिले हैं, बट यू नो एज जो एक रिएक्शन मुझे निकल जाता था सैलिसिलिक एसिड बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करने से, वो मुझे अभी नहीं निकला है. मैंने लाइव डेमो शूट किया है. यू नो मेरे फोरहेड पे टच वुड कोई मुझे रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन मुझे नहीं निकली है, जो मुझे मोस्टली निकल जाती है जब भी मैं कोई सैलिसिलिक एसिड बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ. सो थैंकफुली दिस हैज़ वर्क. बट येस अभी जो मेरा क्लोज कॉमेडोन वाला इशू यहाँ पे पूरे चिन एरिया पे है, उस पर अभी मुझे रिजल्ट देखना बाकी है, बिकॉज मैंने अभी सिर्फ इसको एक बार यूज़ किया है. और मैं इसको अभी हफ्ते में लाइक वीकली वंस अ वीक मैं अभी इसको लगा रही हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू बिल्ड इट अप. मैं ज़्यादा जल्दी नहीं करना चाहती कि यू नो मैं ओवर डू कर लूँ और फिर अपनी स्किन को ख़राब कर लूँ. सो इट्स गुड कि इसने कोई रिएक्शन नहीं दिया है एज़ फॉर नाउ. और आगे अब जब मैं उसको यूज़ करूँगी फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये क्लोज कॉमेडोन्स और इट सब पे वाइट हेड्स पे इन सब पे काम करता है या नहीं. सो नेक्स्ट परचेज इज़ फ्रॉम मैकरॉन ब्यूटी, एंड दिस टाइम आई हैव पिक दिस. बहुत ज़्यादा चमक रहा है, दिख रहा है क्या आप लोगों को? दिस वन इज़ ग्रीन टैंजरीन वाइटामिन सी डार्क स्पॉट सिरम फ्रॉम गुडाल सिरम है ये. दैट्स हाउ दिस लुक्स लाइक. इट्स अ ग्लास बॉटल एंड डिडंट एक्सपेक्टेड कि ग्लास बॉटल होगी, बट दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक. इसमें नेचुरल एक्सट्रैक्ट है वाइटामिन सी के, एंड आई हर्ड अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स अबाउट दिस वन, सो आई थॉट लेट्स ट्राई दिस वन आउट. ऑलराइट, सो नाउ मूविंग ऑन टू द नाइका. इंडिपेंडेंस डे सेल था और वहाँ पे इनिसफ्री पे बहुत अच्छे डील्स थे, एंड मैंने ये डील्स आप लोगों के साथ शेयर भी करे थे इंस्टाग्राम पे. तो और आपको मास्क दिखा देती हूँ जो मैंने पिक करे हैं फ्रॉम दिस नाइका. एक तो ये स्विस ब्यूटी का मिंट मास्क का रिक्वेस्ट आया था कि आप ये वाला रिव्यू करो, ये वाला ट्राई करो. तो एक तो मैंने ये पिक किया था. एक तो इसकी पैकिंग बड़ी अजीब सी है, खुलती नहीं है मुझसे और ये हमें फट गया है मुझसे. सो दैट्स हाउ दिस क्यूट टब लुक्स लाइक. नाउ ये मैंने एक बार ट्राई किया था, बट मेरी गलती ये हो गई, मैंने इसको आफ्टर शेव यूज़ किया तो ये बहुत ज़्यादा जला और मैंने इमीडिएटली इसको वॉश कर दिया. सो अभी मैं थोड़ी डर गई इसको कि यू नो इसको यूज़ करूँ या नहीं. बट येस जब स्किन बिल्कुल ऐसे मतलब नॉर्मल काइंड ऑफ सिचुएशन में होगी ना, जब कोई इरिटेशन नहीं होगी, तब मैं इसको ट्राई करके देखूँगी दोबारा से, तब देखती हूँ कि इरिटेशन ये देता है या नहीं. बट उस दिन तो भैया बहुत बुरी तरह जला ये मेरा आफ्टर शेव जब मैंने इसको यूज़ किया. मैंने कहा चलो इट्स वाइटामिन ई मिंट मास्क तो ये सूथ करेगा स्किन को, बट नो 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 दिस हैज़ लाइक ये ऐसे बर्न करने लग गया, मेरी स्किन पे जलने लग गया. तो उसके बाद मैंने फटाफट से इसको रिमूव कर दिया. मैंने कहा और स्यापाना हो जाए. सो या वन इज़ दिस, एंड सेकेंड आफ्टर अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट, आप लोग बहुत सारा इस ब्रांड की इतनी रिक्वेस्ट कर रहे थे, पिलीग्रिम
पिलग्रिम करके ये ब्रांड है, इसकी आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी इनके इनके प्रोडक्ट्स पे, बट आई थॉट कि आई विल ट्राई द मास्क फर्स्ट बिकॉज वो सबसे सेफेस्ट थिंग होगी. सो यहाँ पे मैंने पिक किया है दिस रेड वाइन वन, रेड वाइन फेस मास्क विद मलबरी एंड रोजिप ऑयल. ये एंटी एजिंग वाला फेस मास्क है. लेट्स सी 15 मिनट में एंटी एजिंग वाली कोई बेनिफिट्स ये दे पाता है या नहीं. एंड नेक्स्ट मैंने पिक किया है फ्रॉम हिमालय, दिस वन इज़ देयर ऑयल क्लियर मड फेस पैक विद मुल्तानी मिट्टी, लाइक इट्स मुल्तानी मिट्टी एंड वॉलनट. सो ये मैंने कहा चलो एक अफोर्डेबल ऑप्शन भी ट्राई करके देख लेते हैं. हिमालय के आई थिंक हर सारे प्रोडक्ट्स मैंने ट्राई किए हैं व्हेन आई वाज इन कॉलेज, बट अभी दोबारा से आई एम एक्सप्लोरिंग देम बिकॉज दीज आर दी बेस्ट एंड दे वर्क रियली वेल ऑन माई फेस एंड दे आर क्वाइट अफोर्डेबल एज वेल. सो या राइट नाउ कमिंग टू द डील्स जो मैंने पिक करी हैं फ्रॉम इनिसफ्री. सो द वेरी फर्स्ट किट वॉज दिस इनिसफ्री का एट होम असेंशियल सेट वन करके ये है. नाउ इसके अंदर आपको तीन आइटम्स मिली हैं. फर्स्ट इज़ देयर अ वेरी फेमस ग्रीन टी सीड सिरम, दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक. नाउ ये फुल साइज़ का प्रोडक्ट है 80 ml, और इसको मैंने पहले छोटा 30 ml वाला मैंने ये ट्राई किया है जब मैंने नया नया चैनल शुरू किया था, उस टाइम पे मैंने ये ट्राई किया है. उसके बाद मैंने इसको रीपरचेज नहीं किया बिकॉज इसके जो थर्ड इंग्रेडिएंट था वही अल्कोहल डी नेचर था, विच वी एक्चुअली यू नो टेंड्स टू अवॉइड, विच आई पर्सनली टेंड्स टू अवॉइड इन माई स्किन केयर. एक्चुअली था क्या कि मुझे बेसिकली ट्राई वो दूसरा प्रोडक्ट करना था जो इसके साथ किट में था, बट ये वाली किट में और एक दूसरी किट थी जिसमें ये 30 ml था उसमें सिर्फ 300 rupees का फ़र्क था. तो आई थॉट कि चलो ये बड़ा वाला ही ले लेते हैं कि 300 rupees में यहाँ पे ये 80 ml का मिल रहा है, वहाँ पे 30 ml है. सो दैट्स व्हाई आई गॉट दिस वन, बट आई एम नॉट श्योर कि आई एम गोना यूज़ दिस वन और मैं अपने हस्बैंड को दे दूँगी, विल सी. इन प्रोडक्ट वॉज दिस इनिसफ्री का सुपर वॉल्केनिक पोर क्ले मास्क 2x फॉर पोर क्लिनजिंग सोल्यूशन. ये मैंने एक बार ट्राई किया है एंड आई हैव लव्ड इट. मैंने अब मैं इसका बड़ा भी लेने वाली हूँ बिकॉज मुझे इसका एक बार में रिजल्ट बहुत अच्छे लगे. लाइक अभी करंटली आई एम यूजिंग अ लॉट ऑफ मास्क, लाइक एवरी अदर डे आई एम यूजिंग अ क्ले मास्क ऑन माई फेस एंड दैट थिंग हैज़ बीन वर्किंग रियली वेल. मुझे एक्नेस कम हो रहे हैं. सो I have tried this one out and this has worked really really well and I love this one. I'm sure definitely gonna get the bigger one जब भी मुझे next कोई offer मिलेगी. And इस वाली combo में एक ये rice sheet mask भी free थी, so that's great. And second combo था यहाँ पे this, इसमें ये तीन product थे. अब ये कितने का था, ये I think 900 के आसपास का deal था जिसमें आपको एक तो मिलना था दिस इज़ अ इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट, दिस इज़ द इनिसफ्री वाइन पीलिंग जेली सॉफ्टनर, दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक. ये मैंने एक बार ट्राई किया था बट मैंने ये वेट स्किन पे ट्राई किया तो ये अजीब सा यू नो चला एंड अगेन दिक्कत ये हो गई कि मैंने शेविंग के पहले इसको यूज़ किया था या शेविंग के बाद मैंने इसको यूज़ किया था तो ये हल्का सा ना मेरी स्किन पे बर्न हुआ. सो आई थॉट कि पता नहीं क्या हो रहा है, देन मैं फटाफट से मैंने इसको वॉश कर लिया. सो I think what I felt is कि after shaving ना you should not use anything else except aloe vera gel. That's the best thing, okay? So इसको भी मैं dry skin पर भी try करूँगी because I saw one video जिसमें you know they were using it on a dry skin and then वो you know जब आप scrub करते हो तो वो because it's a enzymatic exfoliator, so it has enzymes in this one. So वो you know एक अच्छे से जैसे विशफुल का जो enzyme scrub है ना जैसे वो काम करता है और वैसे peel peel करके निकलता है आपका कुछ वो skin होती है या क्या होता है I don't know. सो वैसा ये काम करना चाहिए इसको, बट मैंने इसको रॉन्ग वे में यूज़ किया था. बट एनी वेज विल यूज़ दिस वन अगेन एंड देन आई लेट यू नो कि ये कैसा है. इसके साथ थी दिस इनिसफ्री का एलो रिवाइटलिंग सूदिंग जेल. अब ये बड़ा फुल साइज़ है 300 ml का. इसमें मैंने इसका छोटू वाला मैंने ट्राई किया है 30 ml वन और मुझे वो ठीक ठाक लगी थी और मुझे बेसिकली चाहिए फेस शेविंग के लिए थी, सो दैट्स वाई आई गॉट दिस वन. एंड इनके साथ एक ये एलोवेरा वाली शीट मास्क फ्री मिली है. सो ये 900 rupees में मुझे ये तीन मिले हैं एंड वो वाली डील थी 1000 rupees की. एंड इसी के साथ एक मुझे ये ब्राइटनिंग पोर ट्रायो किट भी मिला है जिसमें ये आई थिंक तीन प्रोडक्ट हैं फ्रॉम देयर पोर टाइटनिंग वाली पोर ट्रायो ब्राइटनिंग वाली किट में ये छोटे छोटे से दो तीन प्रोडक्ट्स हैं. इनको भी अपन ट्राई करके इनका भी एक छोटा सा रिव्यू दे देंगे.
Next and the most amazing deal which I have grabbed this time is this from Laneige. यहाँ पे मैंने पिक किया है this Walter and Friends का this kit. Now इस kit में क्या क्या है वो मैं पहले आपको दिखाती हूँ. This got खुल जा, कहाँ से खुलेगा, कैसे खुलेगा, बेइज्जती करा रहा है ये. ओके सो दिस किट गॉट थ्री ऑफ, ओ उल्टा है ये तो, बेइज्जती हो गई यार. ओके सो दिस किट गॉट दिस थ्री ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स राइट हियर. सो यहाँ पे है ये 10 ml की सनस्क्रीन, वाटरी सन क्रीम. ओके वापस लगा देते हैं. एंड यहाँ पे है ये 60 ml का फुल साइज स्लीपिंग पैक. ओके फुल साइज. एंड देन वी हैव दिस फुल साइज लिप स्लीपिंग मास्क इन द वेरिएंट ग्रेप फ्रूट. अब ये टोटल किट थी अराउंड 22 समथिंग 100 की और इस पर कुछ ऑफ था. ये टोटल किट मुझे पड़ी है 1800 रुपये की, जो एक्चुअल में सिर्फ इसका अकेले का प्राइस है आई थिंक, या 2000 रुपीज़ इसका प्राइस है. सो इसके प्राइस जो फुल साइज़ के इसका प्राइस है, इस एक्चुअल का जो प्राइस है उससे, उसमें मुझे एक फुल साइज़ ये मिल गया, एक मुझे ये मिल गया और साथ में इस वाली कॉम्बो डील के साथ आपको मिलना था फ्री 25 ml ऑफ वॉटर स्लीपिंग मास्क. सो नाउ यू गोना गो क्रेजी. ओ शिट मैन, वी हैव मिस्ड इट. बट ये मैंने आपको डील मैंने शेयर करी थी इंस्टाग्राम पे, सो यू कांट ब्लेम मी फॉर दिस बिकॉज ये मैंने शेयर किया था. सो दीज फोर ऑफ द प्रोडक्ट्स, लाइक टू फुल साइज प्रोडक्ट, वन हाफ साइज प्रोडक्ट एंड वन इज अ ट्रायल सैम्पल साइज प्रोडक्ट, आई गॉट ऑल दीज प्रोडक्ट्स इन जस्ट 1800 रुपीज. Yes, you heard me right. 1800 rupees for all these products. So yeah, which was a great, great steal deal. And thank you so much. I'm forgetting the name. I'm really sorry. जिसने मुझे इस deal के बारे में बताया था on Instagram. Thank you so, so, so much. And इस तरह की कोई भी amazing deals मिलती हैं तो मुझे please आप बता दिया करो Instagram पे, या मुझे मिला करेंगी तो मैं आपको बता दूंगी. Next मैंने pick किया है from Limes Connect and this newly launched brand One Thing. इसका मैंने ये Centella Asiatica एक्सट्रैक्ट वाला प्रोडक्ट पिक किया है. एंड एज़ यूजुअल लाइमस हमेशा यूनो क्लेयर्स के बहुत सारे सैम्पल्स भेजता है, सो सेम इस बार भी बहुत सारे ढेर सारे सैम्पल मुझे इस प्रोडक्ट के साथ फ्री मिले हैं. एंड नेक्स्ट मैंने ये तीन प्रोडक्ट पिक करे हैं फ्रॉम रिक्वेल जो मुझे अभी डिलीवर नहीं हुए हैं. एंड सो लास्ट एंड फाइनल आइटम्स आई हैव पिक फ्रॉम ब्यूटी बान. नाउ यू गाइज नो हमेशा ब्यूटी बान वाली जो आइटम्स होती हैं वो मैं लास्ट में दिखाती हूँ बिकॉज वो मुझे मिली नहीं होती हैं. मैंने कल या परसों ही मैंने ये ऑर्डर प्लेस किया है. एंड दिस टाइम आई हैव पिक दिस प्यूरिटो का डरमाइड सीका बैरियर स्लीपिंग पैक. एक मैंने ये पिक किया है. सेकंड इसके साथ मैंने पिक किया है इजन ट्री का TW रियल आई क्रीम 30 ml वाला. सो ये दो आइटम्स मुझे पड़ी हैं 2800 रुपीज़ के आसपास. ये मुझे अभी डिलीवर नहीं हुई हैं. बाय द टाइम आई एम गोना एडिट दिस वीडियो, अगर मुझे ये मिल गई होंगी तो मैं ऑफकोर्स यहाँ पे आपको शो कर दूंगी. And with these two products, they have sent me these four samples of Purito Unscented Toner as well. So these are the products जो मैंने इस month में pick किए हैं, like this August के month में. And अभी I'm going home और राखी, and I'll be back by next Sunday. So of course मेरे को time नहीं मिल पाएगा और shoot करने का, but मैंने advance में already video shoot कर ली हैं. Don't worry, आपको मैं videos time to time देती रहूँगी. So yeah, that's all for now. I hope you found this video helpful and I hope you are excited for the reviews. So yeah, if you found this video helpful, give this one a big thumbs up and don't forget to subscribe to my channel and follow me on Instagram. I will see you in my next videos guys. Until then, take care and stay beautiful. Bye bye.